नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानने वाले हैं प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ कार्ड मिशन 2021 के बारे में। जी दोस्तों, आज के दिन यानी कि 11 बजे के वीडियो कॉन्फ्रेंस में 27 सितंबर को लॉन्च किया जाने वाला है डिजिटल हेल्थ कार्ड मिशन 2021। यानी कि आपको बता दें कि ये हेल्थ कार्ड तो पहले ही यानी कि 15 अगस्त को 2020 में ये लॉन्च किया गया था, कुछ ही शहरों में ये लॉन्च किया गया था। अब आपको बता दें कि ये पूरे देश में यानी कि डिजिटल हेल्थ कार्ड मिशन के तहत पूरे देश में ये लॉन्च किया गया है। आज ही के दिन ये पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा, जो कि आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ कि ये डिजिटल हेल्थ कार्ड क्या है, आपको इससे क्या बेनिफिट यानी कि क्या फ़ायदा मिल सकता है, इसके बारे में कैसे आप बनवा सकते हैं डिजिटल हेल्थ कार्ड, क्या आपको ये हेल्थ कार्ड बनाना अनिवार्य रहेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देर के चले शुरू कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सत्यम पाठक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाठक जी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की जो कमाल की वीडियो है, बिना देर के शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको जानकारी देने वाला हूँ कि हेल्थ यूनिट कार्ड कैसे आप बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि योजना के घोषणा होते हुए गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है NDHM हेल्थ कार्ड यूनिट। यानी कि इसमें आप अपने रजिस्ट्रेशन करके आप अपने 14 यूनिट का एक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप वे जाकर आप निजी अस्पताल में या हेल्थ सेंटर में आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि सेंटर बीओ कार्ड बनवा सकते हैं। यहाँ पर ये जानकारी आपको बता दी दोस्तों, इसमें आपके नाम और जन्म तिथि, तारीख के संपर्क आदि जानकारी इसमें प्राप्त होंगी। यहाँ जान लेते हैं यूनिट हेल्थ कार्ड का आपका क्या बेनिफिट यानी कि क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो कार्ड के जरिए आपको बता दें कि स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के मेडिकल हिस्ट्री भी अपडेट रहेंगे, आप इस अस्पताल में इलाज करने के लिए आपको पूरी रिकॉर्ड इसी कार्ड में मौजूद होंगी। अगर आप किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरी आपको बताना नहीं होगा। यदि आप इस कार्ड को ले जाते हैं यानी कि दूसरे शहर में, तो आप इस कार्ड के मदद से डॉक्टर इसे आपको इलाज कर सकते हैं, यानी कि इलाज करने में आसानी होगी डॉक्टर्स को। तो यहाँ पर आपको ये जानकारी बता दी, आपको इस कार्ड में पूरी डिटेल्स यानी कि पूरी जानकारी यानी कि आपको मौजूद रहेंगे। दोस्तों, जान लेते हैं इस कार्ड में पूरी जानकारी कैसे आप इसमें दर्ज कैसे कर सकते हैं, यानी कि कैसे इसमें दर्ज होंगे। तो कार्ड बनवाने के पिछली सभी रिपोर्ट्स आप स्कैन करके इसमें अपलोड कर सकते हैं, इसमें सभी अपलोड होंगे। उसके उदाहरण के लिए आप किसी अस्पताल में जाते होंगे तो जाँच के दौरान आपके यूनिट कार्ड यानी कि 14 अंक की जो डिजिटल नंबर होंगी वो दर्ज करके आपके पोर्ट से आपको ऑटोमेटिक इस नंबर से आपको उसमें मिल जाए, यानी कि अस्पताल में NDHM के कर्मी इसके आपके मदद के लिए मौजूद रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कार्ड में कौन कौन सी जानकारी आपकी रहेंगी। यहाँ पर आपके मेडिकल रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी इसमें दर्ज होंगी, यहाँ तक कि आपकी पिछली बार कौन सी दवा क्या क्या आपने किया है, क्यों दवा बदली है, सब कुछ यहाँ पर आपको इस कार्ड के मदद से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि पूरी केस समझ में आ सके। अब आपके मन में सवाल एक उठ रहा है कि दूसरे शहर में कैसे डाटा है सबको मिल सकता है। दोस्तों, आपको डाटा अस्पताल में नहीं बल्कि आपके डेटा सेंटर में होगा, जो कार्ड के जरिए देखा जा सकता है। यूं ही समझ लीजिए कि अगर आपके इलाज करने के लिए जाते हैं तो आप आधार कार्ड जैसे अहम होगा, यानी कि आप इलाज करने जाते होंगे तो ये आधार कार्ड ही जैसा रहेगा। आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं, क्या हमारा हेल्थ कार्ड कोई भी देख सकता है? नहीं, बल्कि कार्ड के जरिए आपको एक OTP यानी कि 14 डिजिटल अंक यानी दर्ज किए जाएंगे, आपके नंबर पर एक OTP जाएगा। जैसे आधार कार्ड पर जाता है OTP, तब अस्पताल में रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, कंप्यूटर में दर्ज करके आपकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ। और दोस्तों, जान लेते हैं क्या आपको ये हेल्थ कार्ड बनाना अनिवार्य होगा। दोस्तों, बता दूँ कि ये अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन आपके इच्छा पर निर्भर करता है कि आप हेल्थ कार्ड बनवाना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बता दी है PM ने लॉन्च किया यानी कि डिजिटल हेल्थ कार्ड मिशन के बारे में। दोस्तों, इसे संबंध को भी और भी जानकारी आपको जाननी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे संबंध को भी अगले वीडियो को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।